अस्सलाम वालेकुम चास। वालेकुम सलाम मैम। आवाज क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। हाँ जी, हो गया क्विज? हाँ जी बेटा, पास तो जवाब दो। क्विज हो गया कंप्लीट? यस मैम। ठीक हो गया? मैंने आप लोगों को बहुत इनफ टाइम दिया था, बहुत ज्यादा टाइम था, और बहुत छोटी छोटी स्टेटमेंट्स थी जो अगर दो दो सेकंड्स में भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बहुत एक 50-55 सेकंड्स मैंने दिए थे बल्कि एक एमसीक्यू के लिए, तो डेट वॉज मोर देन इनफ। तो अब किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। बहुत छोटी स्टेटमेंट्स थी, इजी इजी सा था, बिल्कुल मेन टॉपिक मेन ही मैंने पूछा हुआ था। ठीक है, तो सबका ठीक हो गया? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? एक बच्ची थी बिस्मा, वो मैंने जो थी वो उसका पोर्टल ब्लॉक था। मैंने ऑप्शन दिया था कि जिसका पोर्टल ब्लॉक है या कुछ भी है, या तो वो यूनिवर्सिटी आ जाए। ठीक है, हार्ड कॉपी में मैं उसको ले लूंगी टेस्ट, उनका मैंने ले लिया साथ में, और बाकी जो है मेरा ख्याल है कि सबका हो गया होगा। ठीक है, टाइम भी ठीक था सबको, और मेरा नहीं ख्याल किसी को प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, अच्छा अस्सलाम वालेकुम मैम।
अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आपका माइक ऑफ है। अल्लाह मैं इतनी देर से बोली जा रही हूँ, इतने ज्यादा मैंने आपको पढ़ा दिया। नहीं मैम मेरा आवाज नहीं आई। लो जी बेटा आप किसी तरह मुझे कोई बता ही देता कि मैं कब से मैंने दो तीन दफा वो मैसेज किया लेकिन वो मैं आपको आवाज नहीं दी। अच्छा मैंने देखा ही नहीं, वो माइक ऑफ हुआ हुआ था और मैं इतनी स्लाइड्स पढ़ा चुकी हूं। अल्लाह अच्छा है दोबारा से पढ़ते हैं। मैं पता नहीं क्या कुछ पढ़ा। छोटा सा क्वेश्चन था कि मैम आप क्विज कितने लेंगी? क्विज एक ही लूंगी 10% का जो हो गया हुआ है मैम। वो
ऑलमोस्ट बच्चों का मेरे ख्याल में ठीक ही हुआ, तो मेरा भी नहीं ठीक हुआ, तो दूसरे टीचर्स ने ना दो दो तीन तीन क्विज रखे हैं, वो कह रहे थे कि जो टेस्ट होगा वो बेटा आपका ठीक होगा। मुझे ये बताओ कि अब क्यों नहीं ठीक हुआ तुम लोगों का? एक तो टाइम तुम लोगों को इतना दिया, इतनी छोटी स्टेटमेंट थी कि वो बिल्कुल एक यकीन करे, दो दफा तो मेरा नेट बंद हो गया था, मुझे अपने ही पता है, मुझे किसी दूसरे बच्चे का नहीं पता, मेरा नेट हैंग हो गया था दो दफा, उसको दोबारा मैम एक दो दफा LMS भी हैंग हुआ है। बच्चों का ये मसला रहा है, तो मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये दूसरे दो दो तीन तीन क्विज दिया, तो आप भी मैम प्लीज इस तरह करें कि जो बेस्ट हो फिर वो चूज कर ले आप। जो था मैंने क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा दिया, इस तरह दिए थे मुझे पता है, मेरे साथ बैठे होते हैं सब बना रहे होते हैं, मैंने बहुत छोटे छोटे से आपको इस तरह के एमसीक्यू दिए थे, टाइम बहुत ज्यादा दिया था कि बड़े इजी इजी से वो थे। ठीक है, अभी लेक्चर पढ़ लो, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। अच्छा, रिस्क की जो एनाटॉमी थी वो मैंने अभी दोबारा से सारा कुछ पढ़ाया, दोबारा मैं रिवाइज कर रही हूँ, थोड़ी सी हमने रिवाइज किया था इस लेक्चर को कि लास्ट लेक्चर में हमारी रिस्क के ऊपर हम लोगों ने बोनी कैसे उसका यूनाइट किया था, रिस्क कैसे बन रही थी हमारी बोनी, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स थे दैट विल मेक अ रिस्क जॉइंट, फिर उसके बाद हमारे पास लिगामेंट्स थे दैट यूनाइट्स द बोन्स, फिर उसके बाद हमारे पास कौन कौन से लिगामेंट्स थे, वो लेटरल लिगामेंट्स थे और डॉर्सल, और जो हमारे पास पामर साइड के ऊपर फ्लेक्सर्स रेटिनाकुलम और दूसरी साइड पे एक्सटेंसर रेटिनाकुलम थे। ठीक है, ये चारों हमारे पास लिगामेंट्स हैं। फिर कार्पल टनल में से हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स गुजर रहे हैं फ्लेक्सस टेंडन्स वो और उसका मीडियन नर्व, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कार्पल टनल के जो स्ट्रक्चर्स हैं। देन डॉर्सल साइड पे हमारे पास जो थे कंपार्टमेंट्स थे, छह कंपार्टमेंट थे, उनको हमने डिवाइड किया हुआ था, दो तो हमारे अल्नर साइड पे थे और बाकी चार हमारे रेडियल साइड पे थे। ठीक है, तो जो थे उनके अंदर डिफरेंट टेंडन्स थे वो हमने याद किए थे, नेम उनके याद करने थे, हर कंपार्टमेंट में एक या दो टेंडेंस थे, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के वन में वो पूछूंगी कि वन कंपार्टमेंट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कंपार्टमेंट में कौन कौन से मसल्स हैं, सॉरी टेंडेंस हैं। ठीक है, ये हमारे पास थी हमारी एनाटॉमी। फिर हमने स्नफ बॉक्स पढ़ा था, स्नफ बॉक्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसकी बाउंड्रीज कैसे बनती है, उसका फ्लोर कैसे बनता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, किस साइड भी होता है, दैट वॉज द एनाटॉमी। अच्छा, टुडेज टॉपिक इज अबाउट द रिस्क पैथोलॉजीज। रिस्क पैथोलॉजी के अंदर अब हमने जो यही जो सारे हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं इनकी पैथोलॉजीज कौन कौन सी हो सकती हैं। बोनी जो हमारे पास पैथोलॉजीज हैं वो मैंने बताया था कि फ्रैक्चर्स होते हैं ज्यादातर, तो फ्रैक्चर्स हम लोग ज्यादातर रूल आउट करते हैं ऑन द एक्सरेस। तो अगर हम कोई सॉफ्ट टिश्यू पैथोलॉजी को रूल आउट कर रहे थे ऑन द रिस्क, तो उसके साथ हमें कोई एसोसिएटेड कोई फ्रैक्चर मिल गया है तो वो हम रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, फ्रैक्चर्स कैसे हमें नजर आते हैं, बोन के अंदर एक डिसकंटिन्यूटी होती है, उसके अंदर ब्लैक सी एक लाइन नजर आएगी, बेसिकली आपको पता है कि सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती है बोन की, वाइट होती है कलर उसका एकोजेनिसिटी, तो अगर उसके अंदर डिसकंटिन्यूटी आती है और ब्लैक लाइन नजर आ रही है, दैट विल शो के वहां पे हमारे पास कोई फ्रैक्चर है। ठीक है, बोनी पैथोलॉजीज में तो ये हो गया। फिर हमारे पास आती है सॉफ्ट टिश्यूज पैथोलॉजीज। अब सॉफ्ट टिश्यू पैथोलॉजी के अंदर ये पांच छह हमारे पास हैं स्ट्रक्चर्स। नंबर वन इज द गैंग्लियन सिस्ट, नंबर टू इज द जॉइंट सेल ट्यूमर्स ऑफ द टेंडन शीट, हिमेंजियोमा या ग्लोमस ट्यूमर या नर्व ट्यूमर्स। अब बाकी तो हमारे पास जो फर्स्ट वन इज द सिस्ट दैट विल अपीयर्स एन एक्विक, और जो सेकेंड है वो क्या है, वो एक सेकेंड से आगे जितने वो ट्यूमर्स हैं। ठीक है, जो हमारे पास हाइपोक्विक एक मैस अपेयरेंस देते हैं। ठीक है, गैंग्लियन सिस्टम लास्ट टाइम भी मैं जब पढ़ा रही थी तो आपके सीनियर्स में से ही एक बच्ची के था भी। ठीक है, वो क्या होता है, रिस्ट के ऊपर हमारे एक छोटी सी स्वेलिंग होती है डॉर्सम साइड पे, बैक ऑफ द रिस्ट पे। ठीक है, एक छोटी स्वेलिंग होती है, कहती कुछ नहीं है, एसिम्टोमेटिक होती है, पेन नहीं करती है, बट एक स्वेलिंग आपको नजर आती है, वो बिनाइन सी होती है। ठीक है, चाहो तो वो सर्जिकली रिमूव करवा सकते हैं, अदरवाइज वो कुछ कहती नहीं है। ठीक है, वो क्या है, वो गैंग्लियन सिस्ट होती है। ठीक है, और उसके अलावा बाकी जो है वो ट्यूमर्स हैं, इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। नंबर वन इज द गैंग्लियन सिस्ट, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द गैंग्लियन सिस्ट, इट्स बहुत कॉमन है, बिनाइन है, एनेक्विक है। ठीक है, वो हमें डॉर्सम ऑफ द रिस्ट पे मिलती है। गैंग्लियन्स आर द फाइब्रस लाइन सिस्ट कंटेनिंग म्यूसिन, और उसकी लोकेशन मैंने बताई डॉर्सम ऑफ द रिस्ट एट द लेवल ऑफ स्केफॉइड ल्यूनेट लिगामेंट। अब इस साइड पे हमें पता है रेडियल साइड पे सबसे पहली बोन रिस्ट की कौन सी होती है, स्केफॉइड देन ल्यूनेट,
तो उसके ऊपर ही हमारे पास उस लेवल के ऊपर हमारे हमें मिलती है एक छोटी सी सिस्ट। अगर इस लोकेशन के ऊपर हमें छोटी सी स्वेलिंग मिल रही है, पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है विद अ स्मॉल सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग, अगर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें वो सिस्ट मिलती है। कंफर्म सिस्ट का क्राइटेरिया आपको पता है, एन इक्वेक विद अ पोस्टीरियर एनहांसमेंट एंड रेगुलर मार्जिन, ठीक है। और फिर उस लेवल के ऊपर हमें मिली है सिस्ट, और फिर उसके बाद पेशेंट प्रेजेंट किस तरह कर रहा है। एक आता है फिम मैस, दैट इज एसिम्प्टोमेटिक, लार्जर मैसेज आर ऑफन पेन फ्री व्हाइल स्मॉलर लीजन्स टेंड टू कॉज सिम्टम्स, ठीक है। ये अब एक है कि रिस्क के ऊपर, या फिर हमारे बॉडी में कहीं पे भी अगर कोई छोटा सा मैस है ना, वो ज्यादा तकलीफ देता है एज कम्पेयर टू द। क्या हुआ है ये, किसका माइक है? ठीक है, तो गैंग्लियन सिस्ट का जो प्रेजेंटेशन है उसमें पेशेंट प्रेजेंट विद द फिम मास, विद सॉफ्ट टिश्यू से उसका स्वेलिंग होगी डॉर्सम ऑफ द रिस्ट के ऊपर, ठीक। वो अगर हम अल्ट्रासाउंड पे कंफर्म करेंगे दैट अगर उसकी लोकेशन एग्जैक्टली उस जगह पे है जिस जगह पे गैंग्लियन सिस्ट होती है, तो वह फिर हम रिपोर्ट करेंगे गैंग्लियन सिस्ट, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, सोनोग्राफिकली गैंग्लियन है टिपिकल। किसका माइक ऑन हो रहा है, आप अपना माइक बंद करो। एरम अब आपका माइक नहीं ऑन होना चाहिए, वरना मैंने आपको क्लास से बाहर निकाल देना है। दो दफा मैंने आपका माइक बंद किया है, सुन भी रहे हो कि नहीं, बस माइक ऑन कर देते हो। अच्छा, सिस्टिक अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए हमने बार बार मैं बता रही आप लोगों को ना एक बात इस तरह समझ नहीं आती। अच्छा, सिस्टिक अपीयरेंस हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफी के सोनोग्राफिकली क्या होती है, वो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि वेल डिफाइंड उसके मार्जिन्स होते हैं, बिल्कुल एनिक्विक होती है, एको फ्री होती है, उसके अंदर कोई डेब्रीज या कोई हमें ऐसा फॉरेन ऑब्जेक्ट नजर और फॉरेन बॉडी नजर नहीं आती है, बिल्कुल एनिक्विक होती है विद द पोस्टीरियर एनहांसमेंट, ठीक है। ये तीन लाइन हमेशा जो है ना, मैंने तीन पॉइंट हमेशा सिस्ट के लिए सुनने हैं आप लोगों से, कि व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ अ सिंपल सिस्ट ऑन अल्ट्रासोनोग्राफी, वेल डिफाइंड मार्जिन, एको फ्री विद द पोस्टीरियर एनहांसमेंट, ठीक है। तो गैंग्लियन पेशेंट किससे प्रेजेंट कर रहा है, विद द सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग ऑन द डॉर्सम ऑफ द रिस्ट, और अगर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें एक सिस्ट की अपेरेंस मिलती है, सिस्ट के जो तीन क्राइटेरिया वो मिल रहे हैं, तो यू कैन कंफर्म दैट इज अ गैंग्लियन सिस्ट। पेशेंट को पेन नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो है ना, वो कुछ ट्यूमर्स हैं जिसमें इंपॉर्टेंट जो है ना नर्व ट्यूमर्स हैं। नर्व ट्यूमर्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, हमें पता है नर्व का किस तरह वो अपेरेंस होता है, नर्व की जो है नर्व कैसे बनती है, उसके अंदर श्वान सेल्स होते हैं। आपने देखिए ना नर्व सेल, नर्व का जो है ना किस तरह सेल होता है, एक बीच में डेंड्राइट्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, श्वान सेल जो पीछे उसकी टेल के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो अगर उसका ट्यूमर होता है तो वो बहुत कॉमन है, हमारे रिस्ट के ऊपर हमें श्वान सेल ट्यूमर मिलते हैं। वो किस तरह की अपेयर होती है, क्या होते हैं, वो हम पढ़ते हैं। श्वानोमा जिसे कहते हैं, दैट इज द मोस्ट कॉमन, इट ओरिजिनेट विद इन द श्वान सेल्स ऑफ द नर्व, are eccentrically located within the peripheral nerve. They are painless, equal in both sexes. ठीक है, 30 to 60 years में most common है कि हमें एक tumor मिलेगा that will be of the Schwann cells. ठीक है, जो nerve tumor है most commonly found along the flexor surface of the forearm or a hand. अब हमें पता है flexor surface कौन सी होती है, palmar side पे हमारे flexors हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास जो ये सबसे पहले हम लोगों ने गैंग्लियन सिस्ट पढ़ी है, दैट विल अपीयर ऑन द डॉर्सम ऑफ द रिस्ट, जिस किस लेवल पे होती है, स्केफॉइड लुनेट लेवल के ऊपर, ठीक है। और अगर हमें फ्लेक्सर साइड पे, पामर साइड पे, रिस्ट के अंदर वाली साइड पे अगर हमें कोई स्वेलिंग मिलती है, ठीक है, और वो उसका मैस अपीयरेंस हो रहा है, तो डेट माइट बी श्वानोमा, ठीक है, जो कि श्वान सेल्स का ट्यूमर है, ठीक, मोस्ट कॉमन फाउंड इन द फ्लेक्सर सर्फिस ऑफ द फोरम ऑफ द हैंड। सेकेंड हमारे पास है न्यूरोफाइब्रोमा। न्यूरोफाइब्रोमा अनदर टाइप ऑफ बिनाइन नर्व ट्यूमर, ठीक है। ये एज होती है 20 से 30 की एज में, न्यूरोफाइब्रोमास अराइजेस फ्रॉम विद इन द नर्व फेसिकुलाई एंड आर इन
separable from the normal nerve tissue, appearing centrally within the nerve. अब वो श्वान सेल्स एसेंट्रिकल होते हैं, ये थोड़े से सेंटर में होते हैं, ठीक है. दोनों वो श्वान सेल्स है राइज करते हैं, ये हमारे पास कहाँ पे होते हैं, फेसिकुलाई ऑफ द नर्व से, और दे आर इनसेपरेबल फ्रॉम द नर्व टिश्यू, ठीक है. दो ट्यूमर्स हमने पढ़ लिए हैं, कौन से नर्व के दो ट्यूमर्स हैं, एक श्वान सेल से राइज करते हैं दैट इज श्वानोमा, अदर इज द न्यूरोफाइब्रोमास दैट अराइज फ्रॉम द नर्व फेसिकुलाई एंड आर इनसेपरेबल फ्रॉम द नॉर्मल टिश्यू. दूसरा वाला इसेंट्रिकल होता है, दिस इज सेंट्रिकली लोकेटेड. नर्व ट्यूमर्स आर टिपिकली वेल डिफाइंड एंड हाइपोल्विक ऑन द अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन. वी ऑल नो के सिस्ट जो है हमारे पास एनीक्विक अपीयरेंस देती है, बट इफ वी सी एन हाइपोइक्विक मैस, जितने भी मैस होते हैं वो हमारे पास हाइपोइक्विक अपीयरेंस देते हैं, तो वो कोई ट्यूमर ही हो सकता है, कोई मैस हो सकता है. और अगर उसकी लोकेशन और उसके जो हमने पॉइंट्स पढ़ लिए हैं अगर वो कर रहे हैं तो कन्फर्म ये वाला ट्यूमर हो जाएगा, ठीक है. बट उसकी जो हमारे पास अपेयरेंस होती है वो एनीक्विक फॉर द सिस्ट एंड हाइपोइक्विक फॉर द ट्यूमर्स. देन वी हैव इन्फ्लेमेशन, जिस तरह हमारे हमने वहां पे इतने सारे टेंडन्स पड़े हैं, ठीक है, के फ्लेक्सर टेंडन्स गुजर रहे हैं, एक्सटेंसर टेंडन्स गुजर रहे हैं हमारे रिस्ट के ऊपर. तो अगर उस रिस्ट के ऊपर वहां पे साइनोवियल शीट भी है, जो ज्वाइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है ना, ठीक है, तो साइनोवियल फ्लूइड का अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है ड्यू टू द टेंडन्स इन्फ्लेमेशन, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं टीनो साइनोवाइटस. अब टीनो इज फॉर द टेंडन, साइनोवाइटस साइनोवियल फ्लूइड एंड आइटस इज द इन्फ्लेमेशन. नेम बता रहा है, टीनो साइनोवाइटस इज द कॉमन इंडिकेशन फॉर मस्कोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड कॉज बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल लाइनिंग ऑफ द टेंडन शीट. साइनोवियल लाइनिंग ऑफ द टेंडन शीट, नेम बता रहा है इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल लाइनिंग ऑफ द टेंडन शीट. बैक से पीछे की तरफ जाते जाओ, आइटस इज द इन्फ्लेमेशन, साइनो पीछे की तरफ आओ, साइनोवियल शीट ऑफ द टेंडन टेनो, ठीक है. मोस्ट ऑफन इडियोपैथिक, और ये हमें अल्ट्रासाउंड के ऊपर बड़ा कॉमनली नजर आ सकता है क्योंकि हमें पता है कि व्हाट आर द साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑन अल्ट्रासाउंड. नंबर वन हाइपरवैस्कुलराइज, ठीक है. नंबर टू उसके अंदर हमारी वॉल जो है वो थिकेंड हो जाएगी, ठीक है, साइनोवियल लाइनिंग जो है वो हमें थिकेंड नजर आएगी, ठीक. ये तो कॉमन है टीनो साइनोवाइटस के अंदर, हमें इसके अंदर मिलेगा. टीनो साइनोवाइटस के और अंडरलाइन कॉजेस क्या हो सकते हैं, ड्यू टू गाउट या इन्फ्लेमेटरी इंफेक्शियस प्रोसेसेस या ट्रॉमा. ये तीन अदर कॉजेस हैं उसके, टीनो साइनोवाइटस के क्या इन्फ्लेमेशन के कॉज हो सकते हैं. गाउट हमें पता है यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से ये जो उसके साइनोवियल शीट है टेंडन की, इस जगह पे उसका इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक है. इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस या ट्रॉमा की वजह से भी उसका साइनोवियल शीट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है. सोनोग्राफिकली टेंडन शीट टिपिकली अपीयर फ्लूइड फिल्ड विद द टेंडन एविडेंट विद इन. फ्लूइड में बी एको फ्री और सम इंटरनल डेब्रीज. हाइपरवैस्कुलराइज ऑन डॉपलर इन केस ऑफ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस. ये तीन पॉइंट्स मैं इन्फ्लेमेशन के अल्ट्रासोनोग्राफिकली बता चुकी हूँ. एक थिकन वॉल होता है, फ्लूइड होता है, तीसरा हाइपरवैस्कुलराइज होता है, ठीक है. दिस इज द इमेज. अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन में देखते हैं रिस्ट को, तो ये अंदर छोटी छोटी सी हमें बोन्स नजर आ रही हैं, ठीक. कौन के हैं ये, कार्पल बोन्स है हमें, ठीक है. इसके अंदर डॉपलर नहीं है, ठीक. इसके ऊपर डॉपलर डाला हुआ है तो ये आपको फ्लो नजर आ रहा है, दैट इज ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन जो कि साइनोवियल शीट का इन्फ्लेमेशन है. इस तरह का हाइपर वैस्कुलराइज फ्लो हमें नॉर्मली नजर नहीं आता, ठीक है. दो पढ़ लिए हमने, पहले हमने सिस्टिक डिजीज पैथोलॉजी पढ़ ली है, दैट इज द गैंग्लियन सिस्ट दैट appears on the dorsum of the wrist. Second, हमने दो ट्यूमर्स पड़े हैं, वो हमारे पास मैस अपेयरेंस देते हैं, हाइपोइक्विक, वो हमारे फ्लेक्सर साइड पे होते हैं, और दो है, एक श्वानोमा, एक जो है न्यूरोफाइब्रोइडम, ठीक है. और थर्ड हमारे पास इन्फ्लेमेशन है, दैट इज ऑफ द टेंडन जो कि वहां से पास कर रहे हैं उनकी साइनोवियल शीट का, जो साइनोवियल शीट है टेंडन की उसका इन्फ्लेमेशन इज नोन एज टीनो साइनोवाइटस, ठीक है. वो उसके तीनों इन्फ्लेमेशन के वही साइन यहाँ पे पुट कर दो. इन्फ्लेमेशन के क्या साइन होते हैं अल्ट्रासोनोग्राफिकली, हाइपर वैस्कुलराइज, सेकेंड थिकेंड वॉल, एंड थर्ड वन इज द फ्लूइड फिल, ठीक है. फ्लूइड हमें अराउंड मिलता है उस स्ट्रक्चर के, तो वो हम कह सकते हैं यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है. अब एक डिजीज है जिसको कहते हैं डिक्टोरियंस डिजीज, ये बहुत कॉमन है रिस्ट के ऊपर. ये क्या है, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इडियोपैथिक टीनो साइनोवाइटस. ये किसका टीनो साइनोवाइटस है,
है टेंडन शीट का ही इन्फ्लेमेशन, लेकिन कौन से टेंडन को स्पेसिफिकली डी कॉर्वियंस डिजीज कहते हैं? ठीक, इट इन्वॉल्व्स द फर्स्ट एक्सटेंसर कंपार्टमेंट. अब ये डॉर्सल साइड पे है, ठीक हमें पता चल गया. टेंडन शीट, जो साइनोवियल शीट ऑफ द टेंडन का इन्फ्लेमेशन है, कौन से टेंडन का? फर्स्ट कंपार्टमेंट जो हमने पढ़े थे, फर्स्ट कंपार्टमेंट जो हमारे पास है एक्सटेंसर साइड पे, वो उनका जो है अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो उस डिजीज को हम कहते हैं डी कॉर्वियंस डिजीज. और फर्स्ट कंपार्टमेंट में दो कौन कौन से टेंडन थे? नंबर वन वॉज द एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड द एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेवस टेंडन. ठीक है, फर्स्ट एक्सटेंसर कंपार्टमेंट इज लोकेटेड नियर द रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस. स्टाइलॉइड जो हमारे पास जो है उसका रेडियल ट्यूबरस क्या कह सकते हैं, स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है बाहर की तरफ को, जो मैंने पोनी आपको दिखाया था रेडियल साइड पे, उस जगह पे फर्स्ट कंपार्टमेंट है. हमें पता है कि जो कंपार्टमेंट है वो स्टार्ट ही रेडियल से अल्नर साइड पे जा रहे हैं, तो फर्स्ट कंपार्टमेंट रेडियल साइड पे होगा. देयरफॉर पेशेंट कंप्लेन ऑफ द पेन अलोंग द रेडियल साइड ऑफ द रिस्ट, स्पेशली विद द मूवमेंट ऑफ द थंब. स्वेलिंग एंड टेंडरनेस मिलेगी 1 to 2 centimeter प्रोक्सिमल टू द रेडियल स्टाइलॉइड. अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन इज डायरेक्टेड टू द एरिया ऑफ द पेशेंट कंप्लेन. द टेंडन शीट विल डेमोस्ट्रेट फ्लूइड व्हिच सराउंड अ नॉर्मल अपीयरिंग टेंडन एट द लेवल ऑफ फर्स्ट एक्सटेंसर कंपार्टमेंट. ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए. व्हाट इज द कॉर्वियंस डिजीज? इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल शीट ऑफ द टेंडन ऑफ द फर्स्ट कंपार्टमेंट. फर्स्ट कंपार्टमेंट इन्वॉल्व्स दैट टू टेंडन, ठीक है, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेवस टेंडन. ठीक है, उनका इन्फ्लेमेशन हो गया. ठीक है, ऑन अल्ट्रासाउंड हमें क्या मिलेगा इन्फ्लेमेशन के? वही तीनों साइन, हाइपरवैस्कुलराइजेशन, फ्लूइड, एंड थर्ड इज द थिकेंड साइनोवियल वॉल. द शीट में आल्सो अपीयर थिकेंड एंड हाइपोपिक इन द इकोटेक्चर. वही उसका जो मैं बता रही हूँ बार बार, तीन पॉइंट है इन्फ्लेमेशन के पूरे अल्ट्रासाउंड में. याद कर लो, सिस्ट का क्राइटेरिया वही रहेगा तीन पॉइंट, इन्फ्लेमेशन का वही अल्ट्रासोनोग्राफिकली रहेगा तीन पॉइंट. ठीक है, हर जगह की जहां पे इन्फ्लेमेशन होगी यही चीजें हमें मिलेंगी. ठीक है, अच्छा, देन ट्रॉमा टू द टेंडन्स एंड लिगामेंट्स ऑफ द हैंड. अगर ट्रॉमा है, पेशेंट गिरा है या कोई चोट आया है, तो ट्रॉमा की वजह से उसके टेंडन या लिगामेंट रप्चर हो सकते हैं, तो वो हमें अल्ट्रासोनोग्राफिकली कैसे नजर आ सकते हैं और कौन सी चीज उसमें इन्वॉल्व होती है? नंबर वन, ट्रॉमा की वजह से एवल्जन ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरियम टेंडन. यंग एथलीट या वॉलीबॉल जो खेलते हैं, आपको पता है वो हैंड का बहुत ज्यादा उसमें रोल प्ले करते हैं, वो हैंड्स के साथ वॉलीबॉल प्ले जो भी करते हैं. ठीक है, डैट अंडर गो फोर्स एक्सटेंशन ऑफ द डिजिट ड्यूरिंग मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द प्रोफेंडस मसल मे एक्सपीरियंस ए वर्जन ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफेंडस टेंडन. बस ये है कि इसके अंदर ए वर्जन ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम टेंडन की वजह से जो है उसके अंदर जो है रप्चर हो सकता है उसके जो हमारे पास टेंडन है ये वाला. ठीक है, और ये स्पेसिफिकली इस स्पोर्ट्स के अंदर जो है ना इसके इंजर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ठीक है, ए वर्जन ऑफ द टेंडन द प्लेयर इज नो लॉन्गर एबल टू फ्लेक्स बिकॉज इसके अंदर कौन सा टेंडन इन्वॉल्व हो रहा है? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफेंडस टेंडन, फ्लेक्सर्स है. तो क्या होता है कि नो लॉन्गर एबल टू फ्लेक्स देयर डिस्टल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट. अगर इस कंप्लेन के साथ पेशेंट आ रहा है, मैं एमसीक्यू इस तरह का भी दे सकती हूँ, पेशेंट कंप्लेन विद ही और शी कैन नॉट एबल टू फ्लेक्स देयर डिस्टल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट, एंड वो किस वजह से हो सकता है? वो कोई एवल्जन ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफेंडस टेंडन की वजह से होगा. It is important to identify the free end of the tendon in order to make the diagnosis of the avulsion. High resolution ultrasound is very capable of making diagnosis. हमें पता है कि जितनी अच्छी resolution होगी उतना अच्छा हम diagnose कर सकते हैं किसी भी rupture को, किसी भी tear को. ठीक है, अच्छा, once diagnosed, surgically repair is necessary to restore full movement. अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम उसका कैसे treat कर सकते हैं? That is, अगर डायग्नोज हो गया है क्या फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफेंडस टेंडन का एवल्जन हुआ है ड्यू टू वॉलीबॉल, उस स्पेसिफिक एक मूवमेंट की वजह से वो जो है वो इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट को वो मूव फ्लेक्स नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर फिर हम सर्जिकली रिपेयर करते हैं इसको. तो अगर इसको हाई रेजोल्यूशन प्रोब के ऊपर वो डायग्नोज हो जाता है. द फ्री एंड ऑफ द रिट्रैक्टेड टेंडन इज आइडेंटिफाइड बाय स्कैनिंग ट्रांसवर्सली फ्रॉम द डिस्टल एंड ऑफ द डिजिट टुवर्ड्स द प्रॉक्सिमल एंड अंटिल अ मास इज आइडेंटिफाइड रिप्रेजेंटिंग फ्री प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टेंडन. अब हमें पता है टेंडन की अटैचमेंट्स का. ठीक है, अगर हमें एक साइड से टेंडन अटैच नहीं मिलता, दैट इज द फ्री एंड. ठीक,
और उसको हम कैसे स्कैन करते हैं, ट्रांसवर्सली प्रोब को मूव करते आते हैं जहां पे उसकी अटैचमेंट ऊपर टेंडन स्टार्ट हुआ है जहां से मसल्स के साथ, फिर उसकी आगे अटैचमेंट होती है किसी बोन के साथ, ठीक है। तो हम पूरे टेंडन को इसी तरह ट्रांसवर्सली प्रोब मूव करते 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 उसके जहां पे उसने ज्वाइन करना है बोन के साथ वहां तक लेके आते हैं प्रोब को। लेकिन अगर हमें फ्री एंड मिलता है तो डेट विल रिप्रेजेंट व्हाट, दैट विल रिप्रेजेंट जो हमारे टेंडन का जो है फ्री एंड रिट्रैक्टेड टेंडन है। और इसका कैसे करते हैं, टुवर्ड्स द प्रॉक्सिमल एंड तक लेके गए हैं, मैस हमें वहां पे नजर आया, दैट मैस इज द टेंडन जो कि फ्रीली हमें नजर आ रहा है, दैट इज नॉट अटैच टू द बोन, ठीक है, वो मैस अपेयरेंस देता है। सेकेंड कॉमन इंजरी ऑफ द हैंड इज द एवल्जन ऑफ द अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ गया यूसीएल, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट अल्नर साइड पे होगा, अगर वो वहां से डिस्पैच हो गया है, डिसलोकेट हो गया है, तो वो क्या इंजरी कॉज करता है, वो किस में होता है। दिस इंजरी ऑफन अकर्स बाय स्काइंग एंड कॉज बाय फॉलिंग विद द स्काई पोल इन द हैंड, जो मैंने आज एमसीक्यू भी दिया था, उसके अंदर क्या होता है आपने देखा होगा जो स्काइर्स होते हैं जो स्काइंग करते हैं, जो किस तरह उन्होंने हाथ में वो जो पकड़े होते हैं जिससे वो आइस के ऊपर वो मूव करते हैं, अगर उसके अंदर आपको पता है कि उसके अंदर हैंड की मूवमेंट भी बहुत होती है और नी की मूवमेंट भी बहुत होती है, कभी वो नेविगेट करते हैं राइट कभी लेफ्ट कभी राइट, इसी तरह वो हैंड की मूवमेंट, तो इनके अंदर चांसेस होते हैं इंजरी के कि वो अल्नर कोलैटरल लिगामेंट जो है वो उसका एवल्जन है, ठीक है। तो ऑलरेडी एबडक्टेड थंब बिकम्स हाइपर एबडक्टेड एवल्जन इन इंसर्शन ऑफ द अल्नर कोलैटरल लिगामेंट फ्रॉम इट्स प्रॉक्सिमल फेलेंजियल इंसर्शन, ठीक है, क्लियर है। अच्छा स्टीनर लिजन क्या होता है, इट्स एन इवर्जन ऑफ द अल्नर कोलैटरल लिगामेंट ऑफ द थंब, हम बार बार कह रहे हैं कि इस इवर्जन ऑफ द अल्नर कोलैटरल लिगामेंट है किन में होता है, जिसके अंदर ये मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है एबडक्शन जो कि थंब की बहुत हो रही है रेपिटेटिव मूवमेंट है, तो इस लीजन को हम लोग स्टीनर लीजन कहते हैं। इसमें क्या होता है अल्नर कोलैटरल लिगामेंट जो है वो उसका एवर्जन हो जाता है विद डिस्प्लेसमेंट आउटसाइड द एडक्टर एपोन्यूरोसिस टू रेफर टू एज अ स्टीनर लीजन, ठीक है। नंबर वन पॉइंट बस याद करने वाला है, एवल्जन ऑफ द अल्नर कोलैटरल लिगामेंट इज द स्टीनर लीजन एंड दैट इज ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। फ्रैक्चर ऑफ द स्केफॉइड बोन वेरी कॉमन, वेरी कॉमन, जब भी हम लोगों का फ्रैक्चर होता है रिस्ट के ऊपर तो स्केफॉइड बोन ज्यादातर फ्रैक्चर होती है। इन द इवेंट ऑफ ब्लो टू द रिस्ट या फॉलिंग ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड द स्केफॉइड टेक्स मोस्ट ऑफ द फोर्स, तो इसके फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा है। The fractured scaphoid is more common in the younger population. The scaphoid has a unique blood supply which runs distal to the proximal. उस साइड पे हमारे पास कौन सी वेसल है, स्केफॉइड वाली साइड पे आपने पढ़ा था वो स्नफ बॉक्स भी होता है, स्नफ बॉक्स है, स्नफ बॉक्स इस साइड पे रेडियल साइड पे है, तो उधर हमारे पास कौन सी आर्टरी गुजर रही है, वहां पे रेडियल आर्टरी गुजर रही है, तो उसका ब्लड सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है कि फ्रैक्चर की वजह से हम उस आर्टरी को भी डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे या फिर हम लोग एक मैंने केस देखा था, क्या होता है कि एक पेशेंट को था बहुत टाइम से ना उसको बैंडेज इतनी जोर से की हुई थी कि उसका ब्लड सप्लाई बिल्कुल रुक गया था रेडियल, तो उसका हाथ जो था वो पूरा नीला होना शुरू हो गया था, तो एक बच्चा था चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसका ना हाथ काटना पड़ेगा बिकॉज नो ब्लड सप्लाई फाउंड इन हिज हैंड, वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ब्लू हो गया था, हमें कोई उसके अंदर फ्लो नजर नहीं आ रहा था, उसका वहां पे खत्म हो गया था। तो उन दिनों वहां पे एक नई मशीन आई थी, तो उसके अंदर जो मैंने आपको बताया था जो हाई रेजोल्यूशन जो डॉपलर स्कैन दिखाता है बिल्कुल छोटी से छोटी वेसल्स भी, वो हमारे पास डॉपलर के बाद पावर डॉपलर था, पावर डॉपलर के बाद SMI था, मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट इज सुपर माइक्रोवेस्कुलर इमेजिंग, जो छोटी से छोटी वेसल का भी फ्लो दिखा देता है, तो उन्हीं दिनों नया आया था, तो उससे ऐसे ही हम पेशेंट का कहते हैं ना हाथ काटने से पहले उन्होंने कहा कि चलो स्कैन करके देखते हैं, वैसे तो फ्लो बिल्कुल जीरो है कहीं पे भी नहीं है, तो उन्होंने दिखाया तो बिल्कुल छोटा सा वेसल हमें मिला था, और वो इतना छोटा था उसके अंदर फ्लो के हमें बिल्कुल और किसी पे तो डिटेक्ट होना ही नहीं था, बिल्कुल माइनर सा था, तो वो फिर हम उसके था बिल्कुल के उससे फिर ये डायग्नोज हुआ था कि उसका फ्लो है लेकिन बहुत थोड़ा सा विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर वो उसने फ्लो जो था वो ठीक हुआ था उसका और उसका हाथ बच गया था कटने से, ठीक है। तो क्या होता है कि ब्लड सप्लाई हमारी मेजर रेडियल आर्टरी है, तो अगर उसका रप्चर हो जाता है तो वो पता है उसका पूरी ब्लड सप्लाई रुक सकती है, तो स्केफॉइड बोन जो है एक तो रप्चर बहुत कॉमनली होती है फ्रैक्चर उसके, और जो हमारा ब्लड सप्लाई है उस साइड पे हमें पता है रेडियल आर्टरी पड़ी हुई है, तो उसके रप्चर होने के बहुत चांसेस होते हैं।
The fracture of the scaphoid can disrupt the blood supply to the proximal portion. This is an emergency, जो कि मैं अभी बता चुकी हूँ आपको. The main clinical sign of the scaphoid fracture is that tenderness in the anatomical snuff box. We know snuff box हमारा इसी साइड पे पड़ा हुआ है, scaphoid bone के बिल्कुल साथ ही, ठीक है. और वहां पे ब्लड सप्लाई भी हमें पता है, वहीं से उसके कौन सी रेडियल आर्टरी गुजरी होती है स्नफ बॉक्स के अंदर, ठीक है. तो द मेन क्लिनिकल साइन क्या है फ्रैक्चर का, टेंडरनेस इन द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स. फेलियर टू रीवैस्कुलराइज द स्केफॉइड कैन लीड टू एवैस्कुलर नेक्रोसिस एंड फ्यूचर आर्थराइटिस फॉर द पेशेंट, जो कि मैं अभी एक एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि अगर उसके अंदर जो है वेसल के अंदर फ्लो खत्म हो जाता है तो दैट कैन लीड टू ए वैस्कुलर नेक्रोसिस. अच्छा, फिर हमारे पास आ गया है एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द ल्यूनेट. फ्रैक्चर्स के अंदर ये क्या होता है कि जब भी पेशेंट जो है वो कभी गिरता है रिस्ट के ऊपर, ठीक है, उसका सारा, तो एक तो स्केफॉइड जो है फ्रैक्चर होता है, ठीक, उसका फ्रैक्चर होता है और ल्यूनेट जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है, आगे की तरफ को डिसलोकेट हो जाता है. This can occur by falling on our dorsiflexed wrist. The lunate is forced anteriorly and compresses the carpal tunnel, causes the symptoms of the carpal tunnel syndrome, जो कि हम पढ़ेंगे. इसमें क्या होता है, पेशेंट गिरा, उसकी स्केफॉइड फ्रैक्चर हो गई, साथ ही ल्यूनेट आगे की तरफ को डिसलोकेट हो गया. डिसलोकेशन की वजह से हमें पता है उस साइड पे एक नर्व है कार्पल टनल में, मीडियन नर्व, उसके ऊपर कंप्रेशन आया, तो दैट विल लीड टू वर्ड्स द कार्पल टनल सिंड्रोम, जो कि हम पढ़ेंगे कि वो क्या होता है कि अगर किसी मीडियन नर्व के ऊपर कंप्रेशन आ गया तो वो हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम उसको कहते हैं, ठीक है. तो ड्यू टू द डिसलोकेशन ऑफ द ल्यूनेट दैट विल कॉज कार्पल टनल सिंड्रोम. दिस मैनिफेस्ट क्लिनिकली एज अ पैरेस्थीजिया इन द सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीडियन नर्व एंड वीकनेस ऑफ द थिनर मसल्स. हमें पता है कि जब भी नर्व को हम लोग क्या कहते हैं, नर्व की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी सेंसेशन खत्म हो जाती है, ठीक है. तो मीडियन नर्व का भी जो भी रोल होगा तो उसकी सेंसरी जितनी भी सेंसेस हैं, जितनी सेंसेशंस हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म हो जाएंगी अगर मीडियन नर्व के ऊपर उसकी कंप्रेशन है. आगे नर्व जिस मसल्स को टेंडन्स को सप्लाई कर रहा होता है उनमें वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. तो समटाइम्स होता है ना हमें कभी के हम लोग पेशेंट जो है, पेशेंट क्या कह रही हूँ, हमें भी समटाइम्स ऐसे फील होता है कि हम सो के उठते हैं सुबह तो हमारे हाथों में जो है बहुत ज्यादा वो ऐसे लग रहा होता है कि वीकनेस हो रही है, या उस एक स्पेसिफिक साइड के ऊपर हमें लग रहा होता है जैसे कि सुइयां चुभ रही हैं हाथों के ऊपर, या वीकनेस सी फील हो रही है, ठीक है, नमनेस सी फील हो रही है, ठीक है. तो वो बेसिकली इस तरह की जो सेंसेशंस होती हैं वो नर्व की कंप्रेशन की वजह से होती है. तो हम लोग कभी होता है कि रात को उस साइड पे ज्यादा सो गए हैं तो हमारी वो नर्व कंप्रेस हो गई है, तो जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आते हैं, ठीक है. अगर तो हमारे पास मीडियन नर्व कंप्रेस हो रही है तो हैंड्स के अंदर भी वीकनेस और उसके जो फिंगर्स हैं वो ऐसे हमें जो है उनमें नमनेस सी फील होगी, सेंसेशंस कम फील होंगी, दैट इज ड्यू टू द मीडियन नर्व कंप्रेशन. और उस मीडियन नर्व कंप्रेशन किसी वजह से भी हो सकता है. अब ये फ्रैक्चर गिरा पेशेंट, उसके वजह से उसके ल्यूनेट बोन डिस्प्लेस हुई है और उसने कंप्रेशन मीडियन नर्व के ऊपर दिया. द ल्यूनेट कैन ऑल्सो अंडरगो एवैस्कुलर नेक्रोसिस, सो इमीडिएट क्लिनिकल अटेंशन टू द फ्रैक्चर इज नीडेड, ठीक है. तो वो फ्रैक्चर, ये ल्यूनेट भी जो है वो साथ ही हमारी रेडियल आर्टरी पड़ी हुई है तो उसके ऊपर भी जो है कंप्रेशन आर्टरी के ऊपर भी देने की वजह से उसको एवैस्कुलराइज कर सकता है, उसमें फ्लो कम हो सकता है, ठीक है. आर्टरी के ऊपर बहुत देर तक कंप्रेशन पड़ा रहे तो आपको पता ही है कि उसके अंदर फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है. तो दीज वर द पैथोलॉजीज जो कि हमें रिस्ट के ऊपर अल्ट्रासोनोग्राफिकली नजर आती है, ठीक है. इजी सा था, इसकी पैथोलॉजी चार पांच हैं तो इसके बाद हम इसका अल्ट्रासोनोग्राफी, इसकी टेक्निक पढ़ेंगे रिस्ट की, कि कौन कौन सी डिजीज जो है वो हमें किस तरह नजर आएगी और किस तरह हमें अपनी प्रोब रखनी है और पेशेंट की क्या पोजीशनिंग है, ठीक है. कोई क्वेश्चन? ठीक है, क्लास एंड हो गई है. कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो. ठीक है मैम, लेक्चर में कोई क्वेश्चन नहीं है लेकिन वो मिस का मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी. कुछ बेटा दोबारा नहीं होगा. जो था मैंने आपको, उनका बल्कि आपको 40 सेकंड बोला था लेकिन फिर भी मैंने आपका टाइम इसी वजह से कि बच्चों को नेट इशू, मैंने लास्ट एक क्लास में मैमो की क्लास में बच्चों को काफी इशू आए थे कि कम टाइम की वजह से हमारे पास, लेकिन फिर मैंने टाइम बढ़ा दिया
और एक मिनट जो है ना वो बहुत 55 सेकंड बहुत इनफ थे. इवन के जो है ना जो ये जो होते हैं मैथ के क्वेश्चन, मेरा भांजा वो कल बता रहा था कि उनको बोर्ड के क्वेश्चन जो है वो उनको 55 सेकंड्स देते हैं और वो मैथमेटिकल फिजिक्स और न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं उन्होंने ऑनलाइन. ठीक है, ये तो बिल्कुल वन लाइन क्वेश्चन, वन भी नहीं, आधे आधे, व्हाट इज एनिसोट्रॉपी, व्हाट इज दिस, इजी से सीधे सीधे मैंने आपको एमसीक्यूज दिए हुए थे और उसमें भी प्रॉब्लम हुई है आप लोगों को. अब इस पे तो मैं नहीं अब कुछ कर सकती बिकॉज जो है अब है, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट के लिए तैयारी करना अब जो है. जी मैंने दो दफा खुद उनको नेट का इशू हो सकता है. मैंने आपको पहले बताया था कि नेट का इशू नहीं है, इंटरनेट इशू में तो नेट का इशू नहीं होता है, एलएमएस की साइट हैंग हो जाती है. अब मेरा क्विज अच्छा हुआ है, मैं ये नहीं कह कि आप दोबारा लेके, लेकिन हैंग हुआ था क्योंकि जब मैंने किया था ना मेरे पास 14 मिनट शो हो रहे थे, लेकिन जब हैंग हुआ और मैंने दोबारा रीलोड करती की तो डायरेक्ट 9 मिनट में जाके मेरा क्विज खुला है. मुझे बीच में लग रहा था बस मेरा क्विज अब गया क्योंकि हैंग हो रहा था, इवन तो मेरा इस वक्त इंटरनेट बहुत सही चल रहा है. मैम अगर इंटरनेट का इशू होता तो फिर एक दो बच्चों का होता ना, एलएमएस में काफी बच्चों का मतलब इस वजह से टाइम कम लगा है क्योंकि वो बार बार हैंग हो रहा था. अब एलएमएस में तो हमारी गलती नहीं है ना, तो इसमें मेरी भी गलती नहीं है बेटा, मैंने आपको टाइम इसीलिए ज्यादा दिया था कि अगर नहीं मैम हम ये नहीं कह रहे लेकिन मैम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर हमारा जो ये क्विज है वो गूगल फॉर्म पे होता ना दोबारा नहीं हो सकता था. एक टॉपिक है उसमें क्या मैं बार बार उसका टेस्ट लूं, एक एक नी का तो टॉपिक था सिर्फ. ठीक है, एक बेसिक सी चीज है. मैं आपको कोई और टॉपिक पे जो आगे पढ़ना पड़ेगी कोई भी दोनों में से एक बेस्ट चूज कर ले. नहीं बेटा बार बार नहीं मैं ले रही हूँ इसके ऊपर, अब ये हो गया. पहले भी इसी तरह के बहुत से मसले होते थे, मैंने टाइम बढ़ाया इसी वजह से कि आप लोग दोबारा से इसको रीड, उसका टाइम कम हुआ ना लेकिन इतने छोटे थे कि वो 9 मिनट में भी कंप्लीट कर सकती थी. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी का जो है वो इस तरह का मसला हुआ कि बिल्कुल ही खुला ही नहीं है. आप नेक्स्ट वाले टॉपिक्स में से दोबारा ले लेना क्विज. तो बाकी टीचर्स ने भी दो दो तीन तीन मिड्स के लिए तैयारी करो. इसका तो जो हो गया सो हो गया, मिड्स आपके बिल्कुल सर पे है तो अब मिड्स के लिए तैयारी करो. 7 से शायद आपके मिड्स स्टार्ट हो रहे हैं, सिर्फ 6-7 दिन, मतलब आज क्या 29 है, 7-8 से मिड्स है तो हमने इसके तो देनी है. तो अब आप मिड्स की तैयारी करो, नेक्स्ट यही है. ठीक है, ऑन कैंपस होंगी, ऑनलाइन होंगी, वो अब यूनिवर्सिटी शायद 7 से खुल रही है अब, ये अभी तक फिर भी कंफर्म नहीं है. अगर तो खुल जाती है तो ऑन कैंपस होगा ऑब्वियसली, अगर नहीं खुलती है टाइम तो फिर इसी तरह ही नेट पे ही होगा. मैम मिड्स का सिलेबस क्या होगा वो मैं बता दूंगी आपको जब भी एमएड होगा, उससे पहले के कौन कौन से जितना हम पढ़ चुके होंगे उसका बता दूंगी मैं. ठीक है, वो शायद आपका मिड एससीक्यूज टाइप हो. और अब जो है ना अब इस लेक्चर के बाद से नेक्स्ट वीक में आपने जो भी नी का जो अब तक का पढ़ लिया होगा ना उसका जो है ना नी तो आपने तैयारी कर ली है, रिस्ट ही उसके बाद हमने दो ही टॉपिक पढ़े हैं, एक उसकी एनाटॉमी और एस्पेथोलॉजी. तो जो है ना क्लास पार्टिसिपेशन के लिए रेडी रहना. ठीक है, तो वो मैं क्लास पार्टिसिपेशन की एक दो क्वेश्चंस आप लोगों से क्लास में पूछूंगी और साथ साथ आपके मार्क्स लगाऊंगी. ठीक है, तो वो कभी भी हो सकते हैं, वो एंड ऑफ द सेमेस्टर तक भी चल सकते हैं. किसी बच्चे को कभी भी मैं क्वेश्चन किसी का भी क्लास में 3-4 का पूछूंगी हर क्लास में. ठीक है, तो वो बी प्रिपेयर्ड. ठीक है, ओके, फिर टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.